नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। उत्तराखंड कांग्रेस भी आज बाजपुर से लखीमपुर खीरी तक मार्च कर रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि कल तक दाखिल करे स्टेटस रिपोर्ट को। ज्ञात हो लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने के मामले के बाद से सरकार विपक्ष के निशाने पर है। राजद पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने तेज प्रताप को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उन्हें पार्टी के आधिकारिक चिन्ह का इस्तेमाल करने की मनाही है। भाजपा की नई टीम का ऐलान हो गया है। गुरुवार को भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इस बार मेनका गांधी और वरुण गांधी को शामिल नहीं किया गया। वहीं 1.5 साल पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और बंगाल चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती को इसमें जगह दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने बुधवार को पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक नवनीत कुमार पांडे तथा रजिस्ट्रार विजिलेंस सुनील कुमार पवार को पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया है, जबकि केरल हाईकोर्ट से अनंत मनोहर बदर को पटना हाईकोर्ट भेजा गया है। वहीं पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एहसादुद्दीन अमानुल्लाह को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा की तरफ से जारी विज्ञप्ति में बृहस्पतिवार को बताया गया कि पार्टी ने राज्य की 1 लोकसभा सीट खंडवा और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। शुभम आज अपने माता पिता के साथ कदमकुआं स्थित सेंट सेवरीन स्कूल पहुंचे। बता दें कि शुभम ने क्लास 3 से लेकर क्लास 6 तक की पढ़ाई इसी स्कूल से की थी। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही शुभम ने धमाकेदार एंट्री की। यहां उन्होंने सबसे पहले स्कूल के गार्ड से मुलाकात की और उन्हें गले लगा लिया। उनका यह जमीन से जुड़ा व्यवहार वहां मौजूद हर किसी के दिल को छू गया। इसके बाद वो अंदर पहुंचे जहां सभी ने उनका स्वागत किया। स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और बच्चों ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। वहीं स्कूल में शुभम कुमार के भव्य स्वागत और सम्मान को देखकर शुभम सहित उनके माता पिता भावुक हो गए। श्रीलंकाई नौसेना ने बुधवार को भारतीय मछुआरों पर पथराव किया और मछली पकड़ने वाले उनके जाल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि यह घटना कच्चा थीवू के निकट उस समय हुई जब श्रीलंकाई नौसेना के कर्मी मछली पकड़ने वाली 10 नौकाओं में सवार होकर आए और भारतीय मछुआरों पर पथराव किया और उनके जाल को क्षतिग्रस्त कर दिया। राजधानी पटना सहित देश भर में शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। नवरात्र के आगमन होते ही श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पटना में नवरात्र के पहले दिन सभी देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में मां दुर्गा की पूजा शुरू हो चुकी है। वहीं दूरदराज से आए साधुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर माता के दर्शन के लिए दंडवत करते हुए बड़ी पटन देवी शक्तिपीठ पहुंचे। कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 6 महीने तक बंद रहने के बाद महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल बृहस्पतिवार को पुनः खुले और मुंबई तथा अन्य स्थानों पर मंदिर और मस्जिदों में सुबह से ही श्रद्धालुओं को देखा गया। नवरात्र के पहले दिन धार्मिक स्थलों के खुलने के साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और दोनों बेटे आदित्य और तेजस यहाँ सुबह 8:45 पर मुंबा देवी के मंदिर गए और देवी के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे थे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित देश भर में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन किया। इसके तहत उन्होंने कहा कि देवभूमि से देश को ऑक्सीजन मिलता है, ऋषिकेश योग की धरती रही है, ऋषिकेश में माँ गंगा का आशीर्वाद मिल रहा है। वैश्विक शेयर बाजार में सकारात्मक रुख के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाइटन और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में तेजी के साथ गुरुवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 500 अंक से अधिक चढ़ा। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 571.25 अंक या 0.97% की तेजी के साथ 59,760.98 पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह निफ्टी 164.25 अंक या 0.93% बढ़कर 17,810.25 पर पहुँच गया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके परिवार के लिए नवरात्र का पहला दिन अशुभ संकेत के साथ आया है। दरअसल बीएस येदियुरप्पा के पूर्व निजी सहायक उमेश के कई करीबियों के घरों पर और ऑफिसों में आयकर विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। इनकम टैक्स विभाग ने यह कार्रवाई उमेश के पास कथित तौर पर अघोषित संपत्ति की सूचना मिलने के बाद की है।
सरकारी या प्राइवेट जॉब करते हुए अगर आपका पीएफ काटा जा रहा है तो चेक करने में अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन जमाने में पीएफ की रकम आप पलक झपकते ही देख सकते हैं कि आपका पैसा कितना इकट्ठा हो गया है। एक मिस्ड कॉल करके भी आपको पता चल जाएगा कि पीएफ कितना है, बस शर्त की आपका पीएफ से लिंक होना चाहिए। साथ ही एसएमएस से भी आसानी से जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भारतीय शेयर बाजारों में तेजी की वजह से 2021 फोर्ब्स लिस्ट में शामिल भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति बढ़कर रिकॉर्ड 775 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है। इस साल 80% से अधिक अमीर व्यक्तियों की संपत्ति में इजाफा हुआ है। 61 अरबपतियों ने पिछले 12 महीने के दौरान 1 अरब डॉलर या इससे अधिक की संपत्ति जुटाई है। इराक ने 500 ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की ऊर्जा कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इराकी सरकार ने इसकी जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी के मीडिया कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि अल कदीमी ने इराकी बिजली मंत्रालय यूएई के मस्दर एक अक्षय ऊर्जा डेवलपर के अधिकारियों के साथ हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से देश के विभिन्न सरकारी बैंकों में क्लर्क के रिक्त पदों के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी इन पदों के लिए IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर 7 अक्टूबर 2021 से 27 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि विभिन्न सरकारी बैंकों में क्लर्क के 5,858 पदों के लिए 11 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अगले साल फैज पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा की जगह ले सकते हैं। खबर के मुताबिक अफगानिस्तान में वैश्विक आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क को सत्ता की चाबी सौंपने में कर्नल फैज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद इमरान सरकार उन्हें 2022 में इनाम के रूप में पाकिस्तान का सेना प्रमुख बना सकती है। छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के वनवास काल से जुड़े स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रारंभ की गई राम वनगमन पर्यटन परिपथ में पग पग कर भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम के ननिहाल के रूप में संपूर्ण विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। महिला पहलवान अंशु मलिक ने बुधवार को विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने जूनियर यूरोपीय चैंपियन सोलिमिया विनी को मात देकर फाइनल में पहुंचने में वो सफल रही है, जबकि सरिता मोर विश्व चैंपियन को चौंकाने के बाद सेमीफाइनल में हार गई। पीएम नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे के तुरंत बाद ही शीर्ष अमेरिकी राजनयिकों का भारत दौरा शुरू हो चुका है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री शीर्ष राजनयिक वेंडी शर्मन फिलहाल दिल्ली प्रवास पर है। उन्होंने अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान चीन को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक जबरदस्ती या दादागिरी भविष्य की दुनिया का रास्ता नहीं हो सकती है। इस महीने यूएई और ओमान में शुरू होने जा रहे T20 विश्व कप से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच निक वेब ने T20 विश्व कप के बाद भारतीय टीम के साथ अपनी सेवा को जारी नहीं रखने का फैसला किया है। उन्होंने कोविड और उसके नियमों के कारण टीम के साथ नहीं बने रहने का फैसला लिया है। भारत और एशिया के देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने कहा है कि वो अमेरिका के दिग्गज स्टोर 7-11 को भारत में लॉन्च करने जा रही है। पहला 7-11 स्टोर 9 अक्टूबर को मुंबई के अंधेरी ईस्ट में खुलेगा। हिंदुओं द्वारा शुभ अवधि माने जाने वाले 9 दिवसीय नवरात्रि के शुरुआत पर गुरुवार को सैकड़ों भक्त हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एकत्र हुए पूजा अर्चना की, लेकिन मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड-19 का टीकाकरण जरूरी है। उत्तर भारत के सबसे व्यस्त मंदिरों में से ये एक बिलासपुर जिले में पहाड़ी की चोटी पर स्थित नैना देवी मंदिर में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के अधिकांश तीर्थयात्री आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि चंदौली जिले के मेडिकल कॉलेज का नाम अघोर पंथ के महान अध्यात्मिक गुरु बाबा किरानाम के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री बुधवार को चंदौली में मेडिकल कॉलेज की नींव रखने के बाद सैयद राज क्षेत्र में एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लखीमपुर की घटना को लेकर सीधे सीधे प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। अयोध्या में उमा भारती ने कहा कि जब न्यायिक जांच हो रही है, सेवानिवृत्ति मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में है, तो इसके बाद अब किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने गेट और नेट परीक्षा क्वालिफाई करने वाले युवाओं के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके तहत जूनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार DRDO की आधिकारिक वेबसाइट DRDO.gov.in पर ऑनलाइन नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं।
दुनिया के पहले मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। वैक्सीन बनाने की कई कोशिशों से मजबूत इम्यूनिटी पैदा नहीं हुई, इसके बावजूद वैक्सीन का विकास हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिसर्च के शानदार नतीजे आने के बाद बुधवार को पहली बार बच्चों के लिए मलेरिया की वैक्सीन पर मोहर लगाई है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की बनाई गई वैक्सीन मस्क्यूरिक्स मुकम्मल नहीं है, ये पूरी तरह टीकाकरण करा चुके बच्चों के गंभीर मलेरिया में करीब 30% कमी पैदा करती है। कोरोना का कोई नया रूप पिछले कुछ समय से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट इस बात से चिंतित है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन को मात देकर लोगों को संक्रमित कर सकता है। यह ऐसे वक्त में आया है जब राज्य जीनोमिक निगरानी समिति की तरफ से किए गए अनुमानों से पता चलता है कि अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से कोविड-19 के मामले बढ़ने की संभावना है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक तथा उसे बढ़ावा देने वाला देश है और खुद को इसका पीड़ित बताने का ढोंग करता है। साथ ही उसे हिंदू, ईसाई, सिख और बौद्ध सहित अपने सभी अल्पसंख्यकों का नस्ली सफाया करना बंद कर देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में 22,431 नए मामले सामने आए हैं, जो कल यानी कि बुधवार के मुकाबले 19.1% ज्यादा है। इसके साथ ही देश भर में अब तक संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,38,94,312 पर पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 318 कोविड मरीजों ने दम तोड़ा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मोहरा, खानसर यूपीएससी, जितेंद्र ठाकुर, एसएल कामत, निभा कुमार, खुद कुमार मंडल, नीतीश कुमार, सुदीप कुमार, अनवर हुसैन, उमेश सहनी, इंद्रदेव कुमार, आलोक कुमार, राजकुमार, अमित कुमार, मनीष मोहरा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस बार का आईपीएल सीजन किस टीम के जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।